प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 10 के बच्चों का एक्सरसाइज 1.2 अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला आपका दिया है 140। अभाज्य गुणनखंड 140 का निकालेंगे, 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 70 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 5 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 5 × 7। दूसरा आपका दिया है 156। दूसरा दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 156 को पहले हम 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 1 × 4 = 16 हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 1 × 4 = 9, 18, फिर 3 से काटेंगे 1 × 3, फिर हम 13 से काटेंगे हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 3 × 13। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा दिया हुआ है 3825। 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। 3825 है तो देखेंगे पहले 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 6, 2 × 5 = 22 हो गया, 3 × 7 = 21, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 3 = 12 हो गया, 3 × 6 = 1, 3 × 5 = 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 8 = 40, 25 हुआ, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 5, कितना हुआ 3 × 5 = 35 हो गया, 5 × 7 = 35, 3 किससे कटेगा, 17 से कटेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया कितना, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 5 × 2 = 17। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चौथा दिया है, चौथा सवाल दिया है 5005। 5005 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005। इसको हम किससे काटेंगे, पहले 5 से काटते हैं, 5 × 5 = 5 हो गया, 0 × 0 फिर 5 × 5 = 5, कितना हो गया। अब यह देखेंगे किससे कटेगा। अब 5 से के पारा में लास्ट में एक नहीं आता, लेकिन 7 के पारा में एक आता है, क्या 7 से कट जाएगा कि नहीं, 7 × 7 = 3 बचा, 30 हो गया,
सात चौ अट्ठाईस, दो बचा इक्कीस हो गया, सात त्री इक्कीस। अब यह देखेंगे कि पुनः सात से कटेगा कि नहीं, सात गुना चौदह नहीं कटेगा, जब सात से नहीं कटेगा तो फिर ग्यारह से काटेगा, ग्यारह कब ग्यारह कितना बचा तीन बचा, ग्यारह दिया तैतीस, फिर किससे काटेंगे तेरह से, किसने आभार उत्पन्न कर इसका, भाग खंड आपको मिल गया पांच बुरे सात बुरे ग्यारह बुरे तेरह। अब इसका पांचवा सात हजार चार सौ उनतीस, पांचवा दिया है सात हजार चार सौ उनतीस। अब सात हजार चार सौ उनतीस को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो अब देखेंगे सात हजार चार सौ उनतीस को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो पहले देखेंगे कि क्या तीन से कटेगा, कि आपका पांच से कटेगा, कि सात से कटेगा, कि ग्यारह से कटेगा, इस तरह से डिसाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपका सत्रह से पहले कटेगा, यानी सत्रह से काटेंगे इसको तो कितने बार में कटेगा आप भाग देकर देखेंगे तो आपका यह कट के आएगा चार सौ सैंतीस। फिर आप काटेंगे उन्नीस से, जब उन्नीस से भाग देकर आप काटेंगे तो आपका आएगा तेईस, फिर आप इसको तेईस से काटेंगे आ जाएगा वन, जिसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना सत्रह बुढ़े उन्नीस बुढ़े तेईस। अब इसका क्वेश्चन नंबर दो दिया है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एचसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी यह दो चीजें आपको याद ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमें यह भी जांच करना है कि जो दो संख्याएं दी गई होंगी उनका गुणनफल एचसीएम और गुणे एलसीएम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का गुणा करने पर जितना मान प्राप्त होगा उतने ही मान दोनों संख्याओं को गुणा करने पर भी प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए इसमें दिया है छब्बीस और इक्यानवे, पहला दिया है छब्बीस और इक्यानवे, छब्बीस और इक्यानवे। अब ये देखेंगे छब्बीस और इक्यानवे का हमें एल सी एम भी निकालना है और एल सी एम भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे छब्बीस का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, दो से काटेंगे तेरह हो जाएगा, तेरह से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका एक आ जाएगा, अर्थात छब्बीस का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका दो गुणे तेरह। फिर इक्यानवे का निकालेंगे सात से तेरह हो गया, तेरह से एक हो गया, यानी इक्यानवे का अभाज्य गुणनखंड हो गया सात गुणे तेरह। अब देखेंगे इसका एच सी एफ वैनिष्ठ गुणनखंड कौन है तेरह है, तो एच सी एफ आपका पता चल गया आपका तेरह, लेकिन एल सी एम क्या होगा, जो वैनिष्ठ गुणनखंड होगा वह और जो वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा वह भी, उसका भी कलेक्शन करके मल्टीप्लाई करना, तो क्या दो बचा हुआ है दो होगा या सात बचा हुआ सात होगा, और जो तेरह वैनिष्ठ गुणनखंड है तेरह। अब देखेंगे तेरह सात इक्यानवे यानी दो गुणे इक्यानवे, दो का गुणा करेंगे दो नौ गुणा अट्ठारह एक सौ बयासी, ये तो आपका एचसीएम और एलसीएम,
अब हम देखेंगे जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 26 गुणे 91। अब 26 में 91 का क्या करेंगे, 91 गुणे 26, 6 कम 6 6 नवा 54, 2 1 कम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6 8 5 13, 2366 आया, कितना आया आपका 2366। ये तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका आ गया 2366। अब ये देखेंगे क्या HCF गुणे LCM, यानी HCF गुणे LCM का भी वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं, तो 13 गुणे 182। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे 13 में 182 का, 182 गुणे 13, 3 दूना 6 3 8 24, 2 3 1 3 और 2 5, या 2 या 8 और यह हो गया 6 6 8 5 13 2 3, कितना आया 2366। अर्थात हमें क्या मिल गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान किसके बराबर आया है, HCF गुणे LCM। यानी हमारा जांच क्या है, सत्य है, जितना आपके दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान है उतने ही आपका HCF और LCM का गुणनफल करने पर 2366 है। अब अगला इसका दूसरा पार्ट आपका दिया हुआ है, दूसरा है 510 गुणे और 92। 510 और कितना दिया है 92। अब 510 और 92 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, फिर हमें जांच करना है। तो पहले 510 का हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 1 बचा 2 5 10 हो गया, 2 5। अब ये देखेंगे क्या 3 से कटेगा क्या, 3 8 24, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 3 5 15। अब यह 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 1 5 हो गया, कितना बचा 3 5 7 35 हो गया, 17 से कटेगा। यानी 510 का आपका वर्गखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 4 8 2 6 12, 2 2 4 2 3 6, 23 से कटेगा। तो 92 का हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखेंगे HCF कितना होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। HCF क्या होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। LCF क्या होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो रहेगा ही 2, जो शेष बचा हो अभी आप देंगे गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5, फिर गुणे 17, फिर गुणे 23। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर आपका LCM आएगा 23460। यह आप गुणा करके चेक कर लेंगे। अब देखेंगे जांच कैसे करेंगे,
जांच का मतलब हमें जांच करना है, तो जांच क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 510 गुणे 92। अब 510 गुणे 92 हम करेंगे तो 510 गुणे 92 510 गुणे 92 जीरो, दो पाँच गुना दस, फिर यह हो गया जीरो, नौ, नौ पाँच 45, जीरो दो नौ छः चार, यानी 46,920 आया, 46,920। अब लिखेंगे एच सी एफ गुणे एल सी एफ, एच सी एफ का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 23,460, गुणा करेंगे 0, 6 गुना 12 तो 2 हासिल 1, 4 गुना 8 और 1 9, 3 गुना 6 और 2 गुना 4, 46,920 यह भी आया, 46,920 यह भी आया। अतः लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एम गुणे एल सी एम। सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट भी है, तीसरा पार्ट इसका कह रहा है 336 गुणे 54, 336 और 54, इसका भी एच सी एम और एल सी एम हमें ज्ञात करना है। अब देखेंगे 336 दो से डिवाइड करेंगे, दो एकम दो हो गया, एक बचा 13 हो गया, 12 हो गया, एक बचा और यह 16 हो गया, 2 8 16, फिर दो से काटेंगे 2 8 16 336 का 2 × 2 × 1 × 2 × 2 × 3 × 7। अब चंगुल का निकाल देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 3 से काटेंगे 3 × 9 = 22, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, अर्थात 54 का 2 × 3 × 3 × 3। अब देखेंगे एच सी एफ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड यह है और एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, यह है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 × 3 अर्थात एच सी एफ का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखेंगे एल सी एम कितना होगा, एल सी एम यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो अभी 2 है और जो बचा है 1 × 2 = 3 तो यह हो जाएगा 2 × 2 = 2। फिर आपका 1 × 3 जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो रहेगा ही, और फिर 3 × 3 फिर × 7। अब यह देखेंगे 2 × 4 × 8 × 16 × 48 हो गया, अतिक्रिक का 9 × 9 = 63 हो गया। चाहे इस तरह कर दीजिए या तो आप सीधे एलसीएम कहीं गुणा करके आप मान निकाल सकते हैं, जैसे 2 × 4 × 8 × 16 = 48 हो गया। और उसके बाद एक बार और डिसाइड कर लीजिए कि भविष्य गुणनखंड आपका सही है कि नहीं, 1 × 2 हो गया, फिर आपका 1 × 2 = 3, 3 × 2 = 4,
फिर एक तो तीन हो गया, दो तो तीन बचा है और एक सात बचा है, तो दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह, सोलह दिया 48 हो गया, अगुड़े तीन तीन का नौ, नौ सात 63 हो गया। अब इसका उपाय करेंगे 48 और 63 का, 48 गुणे 63, 8 3 24 में 4 हासिल हो, 4 3 12 13 14 144 हो गया, 6 8 48 5 4 6 6 24 25 26 27 28 हो गया। यह हो गया आपका 4 8 4 12 को 2 आप देंगे 1 8 1 9 1 10 0 कितना आया 30 24। अब ये देख रहे हैं 30 24 आया, तो आपका वैल्यू 30 24 हो गया। अब आपको क्या जांच करना है, अब हम जांच करेंगे। जांच दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं थी आपकी, दोनों संख्याएं आपका 336 गुणे 54, 336 गुणे 54। अब 336 गुणे 54 का गुणा करेंगे 336 गुणे 54, अब 336 गुणे 54 का गुणा करेंगे तो आपका 18144 आएगा, 18144 आएगा। जांच कर लीजिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी एचसीएम की वैल्यू कितना है, एचसीएफ का 6 और इसका वैल्यू कितना है एलसीएम का 30 24। गुणा करेंगे 6 4 24 को 4 हासिल 2, 6 9 12 और 2 14 हासिल 1, 14 हो गया 6 3 18 का जितना यह उतना यह है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 3 का रहा है पहला सवाल, इसमें 12 15 और 21 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अब देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 गुणा 4 यानी 12, फिर 15 का 3 गुणे 5, फिर 21 का 3 गुणे 7। अब देखेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, वरिष्ठ गुणनखंड, वरिष्ठ गुणनखंड देखना है 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा सारे 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, जो वरिष्ठ गुणनखंड है वह भी है, जो वरिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी इनके लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 अगले 3 अगले 5 अगले 7, तो 2 दूंगा 4 तिहाई 12, 12 5 60 अगले 7 या 0 7 6 42 420 है। तीसरे का दूसरा दिया है 17 23 29, 17 23 और 29। अब देख रहे हैं 17 23 29 दिया है,
17 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 × 17 23 का करेंगे तो 1 × 23 29 का करेंगे 1 × 29। अब देख रहे हैं इसका एलसीएम क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो एलसीएम 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा आपका 17 × 23 × 29। 17, 23, 29 का उल्टा करेंगे 11,345 आएगा। तीसरा, तीसरे का तीसरा दिया है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एच सी एम और एल सी एम, 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 4 × 8, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3, 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 5। अब देख रहे हैं एच सी एम इसका क्या होगा, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई किसी में दिख नहीं रहा है कहा, लेकिन इसका भी गुणनखंड एक, इसका भी गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड एक, इसमें एलसीएम एक हो जाएगा, एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम कितना 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब 2 × 4 × 8, 8 × 3 = 24, 24, 2 × 4 × 8, 8 × 3 = 24, 50, 25, 25 × 75, यानी 75 × 24 कर दीजिए, 4, 5, 20, 2, 7, 4, 28, 29, 30, 30 हो गया, 5, 2, 10, 8, 1, 7, 9, 14, 15, 0, 0, 8, 18 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एच सी एम 306, 657, यानी यह दो संख्याएं दिया है, इन दोनों संख्याओं का एच सी एम उसने क्या निकाल दिया है, 9 निकाल दिया है, तो हमें एच सी एम निकाला इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अब देखिए आप सब तो जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन है, 306 × 657, एच सी एफ का मान 9 × LCM, तो एल सी एम कितना हो जाएगा 306 × 657/9, 9 से काटेंगे 9 × 3 = 27, 3 × 9 = 36, अर्थात 34 × 657। अब 34 का 657 में आप गुणा करेंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा 4 × 7 = 28, 2 × 4 = 20 और 2 × 22 हासिल 2 × 4 = 24, 24 × 2 = 26, 3 × 7 = 21 हासिल 2 × 3 = 15, 15 × 2 = 17 हासिल 3 × 6 = 18 और 19, 8, 3, 6 × 6 = 12 और 13 हासिल 9, 10, 11, 12 × 2 और 1 × 2 कितना आया 22,338। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर यानी अंक शून्य पर समाप्त होगा।
देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि सिक्स पर यंग कोई संख्या है तो क्या शून्य पर समाप्त होगा। तो लिखेंगे चूंकि सिक्स पर यंग का अभाज्य गुणनखंड, अब इसका गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, गुणनखंड आपका होगा दो गुणे तीन इस पर यंग। आप जानते हैं कि दो गुणे तीन पर यंग घात है, परंतु शून्य पर समाप्त होने वाले गुणनखंड क्या होने चाहिए, दो गुणे पांच पर यंग घात होने चाहिए, तभी यह शून्य पर समाप्त होगा। और इसका गुणनखंड क्या है, दो गुणे तीन है, इसलिए सिक्स पर यंग शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या छह, प्रश्न नंबर छह दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि सात गुणे ग्यारह गुणे तेरह धन तेरह, सात गुणे छह गुणे पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक धन पांच भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको साफ करेंगे, पहले सात गुणे ग्यारह गुणे तेरह आधा तेरह, पहले इसमें सुघनिष्ठ गुणनखंड हम निकालेंगे, तेरह घनिष्ठ गुणनखंड क्या बचेगा, सात गुणे ग्यारह अधम तेरह हो गया है, क्या हो गया ग्यारह सत्य सतहत्तर अधम एक, यह हो गया तेरह गुणे अठहत्तर, यानी तेरह गुणे अठहत्तर एक के अलावा इसमें मान लीजिए इसको में एक भी लिख सकते हैं, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक के अलावा दो अभाज्य गुण एक के अतिरिक्त इसमें दो अभाज्य गुणनखंड है, दो अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी तरह इसका यह वाला पार्ट क्या कह रहा है, यह पार्ट कह रहा है सात गुणे छः गुणे पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे वन प्लस फाइव, इसमें से पाँच कॉमन ले लीजिए, बचा आपका सात गुणे छः गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक धन एक। अब देखेंगे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सात छः बयालीस, बयालीस गुना अड़तालीस और बारह, यानी अड़तालीस में हम बारह का गुणा कर रहे हैं, दो अट्ठे सोलह और दो चौके आठ और एक नौ आठ चार, यह हो गया छः नौ आठ सत्रह को सात आशी में पाँच सौ छिहत्तर, पाँच गुणे पाँच सौ छिहत्तर अधन। अब ये देखेंगे क्योंकि सात छः बयालीस, बयालीस गुना अड़तालीस और चार के बारह का पाँच सौ छिहत्तर का, यह हो जाएगा पाँच गुणे पाँच सौ छिहत्तर और एक पाँच सौ सतहत्तर, इसको भी लिखेंगे चूंकि एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त इसमें दो अभाज्य गुणनखंड हैं, भाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसलिए यह भाज्य संख्या, भाज्य संख्या।
यार बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।